योजना के तहत मैंने 5 तारीख को एक वीडियो बनाया था, उसका लिंक मैंने ऊपर दे दिया है। सो गाइस, वो वीडियो बनाने के बाद मुझे मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स का फोन आया था कि हमें फॉर्म भरने में बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाना है, क्या लोन का इश्यूज क्या है, आपके पास फॉर्म कैसे भरा है, हमें फॉर्म भरना सिखाइए। तो भाई उसी विषय में आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। तो भाई वीडियो पूरा देखना, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन आप वीडियो पूरा देखना, क्योंकि आपको पूरी जानकारी मैं आज दे दूंगा फॉर्म के माध्यम से। तो आप मेरे वीडियो के माध्यम से आप पूरा वीडियो देखना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, लोन का इश्यू क्या है। तो भाई बने रहिए मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ सोनू और आप देख रहे हैं ZigZag Tour चैनल। तो गाइस, आपने अगर मेरा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे का लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन दबाना ना भूले, क्योंकि मैं ऐसे नई लेटेस्ट वीडियोस बनाता रहता हूँ तो आपके तक पहले पहुंचेगी। बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स है जो वीडियोस देख लेते हैं गाइस पर ये सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि ऐसे नई नई वीडियोस आप तक भी पहुंचती रहेगी। तो चलिए बनाता हूँ मैं आज वीडियो, जो फॉर्म में आज ये लेके आया हूँ, आप देख सकते हो मेरे पास एक फॉर्म है, पूरा मैंने भर के रेडी रखा है, आपको बाजू में इसका दिखा दिया जाएगा कि आपको क्या क्या भरना है। सो गाइस चलिए रेडी करते हैं फॉर्म भरना। सो गाइस आप देख सकते हो पहला पेज यहाँ पर आ चुका है। पहले पेज पे पहला ही क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, WDS, जैसे कि आप कहाँ पे आपको एक फ्लैट लेना है, आपको उसका एक कोड आएगा 15 नंबर के पेज पर, पूरी लाइन में एक कोड दिया हुआ है। आपको जो जगह पर कोड लेना है उसका कोड आपको दोनों जगह डालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको जो अर्जदार है जिसके नाम पे फ्लैट लेना है, जो लेडीज है जिसके नाम पे फ्लैट लेना है, सो गाइस मैं आपको पहले बता दूं ये सिर्फ लेडीज के नाम पे ही फ्लैट इशू करा जाएगा, क्योंकि ये जेंट्स के नाम पे नहीं मिलता है, सिर्फ लेडीज के नाम मिलता है। लेडीज और जेंट्स दोनों लगते हैं बट लेडीज के नाम ही आपको पहले रखना पड़ता है, जेंट्स का नाम नॉमिनी में रखा जाएगा। सो गाइस अभी पहला जो नाम है जो जिसके नाम पे लेना है आपको लेडीज के नाम पे रखा जाएगा, जैसे कि मैंने आपको दिया मेरी मम्मी के नाम पे लिया हुआ है, मेरी मम्मी के नाम पे लिखा हुआ है। उसके बाद उसके सामने आप डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे उनका, ठीक है। उसके बाद जो नॉमिनी में रखा, जैसे मेरी मम्मी का नाम लिखा हुआ, मेरी मम्मी के नीचे उनके फादर का नाम आएगा, जैसे जिस अर्जदार के नीचे उनके फादर का नाम, जैसे उनके पिताजी का नाम उसके नीचे लिखा जाएगा। दूसरा फिर जो पुरुष जो नॉमिनी में है, जैसे अर्जदार में है उनके साथ में जो है पुरुष, उनका नाम लिखा जाएगा, उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखी जाएगी सामने, आप देख सकते हो डेट ऑफ बर्थ लिखी जाएगी। उसके बाद उनके पिताजी का नाम भी लिख दिया जाएगा नीचे ही। फिर उसके नीचे एक वर्ड आ रहा है मैरिड है अनमैरिड है, तो आपको मैरिड पे टिक कर देना है। आप जैसे जैसे उनको लिखा जाएगा वैसे वैसे आपको टिक करना है। आगे बढ़ते हैं दूसरे पेज पर, आप देख सकते हो दूसरा पेज आपके यहाँ आ चुका हुआ। तो गाइस दूसरे पेज पे आपको अर्जदार का पूरा एड्रेस, जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ का पूरा एड्रेस आप देख सकते हो, मैंने मेरा पूरा एड्रेस डाल दिया हुआ है। फिर आपको उसके नीचे लिखा हुआ है फ्लैट, फ्लैट नंबर, जैसे कि घर नंबर, आपका घर नंबर आपको लिखना है, उधर मैंने लिख दिया हुआ है ऐसा। तीसरा है आप कहाँ से रह रहे हो, सूरत, सूरत या गुजरात, आपको जो भी हो पता है आपको। बाद पिन कोड नंबर लिखा हुआ है उस पर, पिन कोड नंबर भी आपको लिख देना है सही से। उसके बाद अर्जदार जो है जो कायम वहाँ रह रहा है उसका सरनेम, जैसे कि आप कहाँ पे पहले से रह रहे हो वहाँ का एड्रेस आपको वहाँ पे लिख देना है, जैसे मैंने लिखा हुआ वही एड्रेस है सेम टू सेम, उसमें कोई मैंने चेंजेस नहीं किए हुए। तीसरा मोबाइल नंबर देना पड़ेगा आपको, एक मोबाइल नंबर आपका देना पड़ेगा, उसके नीचे आपको घर का मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, अगर नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं लेकिन आप डाल दोगे तो भी चलेगा। चौथा 11वां प्रश्न है धर्म, आप कौन से धर्म से बिलोंग करते हैं, जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो आप हिंदू से हो, हिंदू मुस्लिम हो तो मुस्लिम पे टिक कर देना, जैसे मैंने हिंदू पे टिक किया होगा। अब 12वें प्रश्न पर आते हैं, 12वें प्रश्न पर आपको SC ST जो जाति है आपकी, SC ST हो गया, OBC हो गया, जनरल हो गया, तो जैसे आप जनरल हो तो जनरल पे टिक कीजिए, SC ST हो तो SC ST पे कीजिए, OBC हो तो OBC पे टिक किए, जैसे मैंने टिक किया OBC पे, तो ठीक है आप अपने हिसाब से। तीसरे नंबर के पेज पर जो आपके सामने आ गया होगा, अगर आपके पास राशन कार्ड है तो उसकी डिटेल आपको नीचे देनी पड़ेगी, अगर आपके पास राशन कार्ड है, BPL कार्ड है तो BPL पे टिक कीजिए, आपके पास अगर राशन कार्ड ही है तो राशन कार्ड पे टिक कीजिएगा। दूसरा अगर आपके पास पासपोर्ट होगा तो पासपोर्ट की आपको पूरी डिटेल भरनी होगी, ड्राइविंग लाइसेंस होगा तो ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल भरनी होगी, ये तीनों में से कोई भी एक चीज़ आपको भरनी है। Voter ID कार्ड होता है, Voter ID कार्ड का एक नंबर देना है, उसके बाद तारीख आती है तारीख दे देना है, फिलहाल मैंने इस पर डाला नहीं है लेकिन आप अपने हिसाब से आपका Voter ID कार्ड का जो भी, तीनों में से एक कोई भी आपको भर देना है आपके पास। और तीसरा लाइट बिल या तो फिर वेरा बिल या तो फिर कोई भी एक चीज़ होगी तो आप उस पर टिक करके वो आप
भर सकते हो उसका। चौथा, आपके पास अगर लिविंग सर्टिफिकेट होगा या तो फिर जन्म प्रमाण पत्र होगा उस पर टिक करना है, आपके पास जो भी होगा उनमें से एक टिक कर देना है। चौदहवा प्रश्न है पैन कार्ड नंबर। पैन कार्ड नंबर का ये इशू, जो पैन कार्ड नंबर, जैसे आपने आप जो लेडीज़ के नाम पे फ्लैट बुक करवाना है उसका अगर पैन कार्ड नंबर होगा तो उसका पैन कार्ड नंबर डाल दे, अगर उनका नहीं भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, उनके साथ में जो नॉमिनी भरा है जेंस उसका पैन कार्ड नंबर होगा तो भी चल जाएगा, दोनों में से एक का पैन कार्ड होगा तो भी चल जाएगा। पंद्रहवें क्वेश्चन पर आते हैं हम, आधार कार्ड नंबर लिया जाएगा। आधार कार्ड जैसे लेडीज़ का और जेंट्स का दोनों का आधार कार्ड नंबर यहाँ पर लगेगा, जैसे मैंने दोनों आधार कार्ड नंबर यहाँ पर दे दिया हुआ है, आप देख सकते हो दोनों आधार कार्ड नंबर मैंने यहाँ पर दे दिया। सोलहवें क्वेश्चन पर आप मैं अभी आता हूँ, सोलहवें क्वेश्चन पे आता हूँ कि आप खुद के मकान में रह रहे हो या भाड़े के मकान में रह रहे हो या अन्य कोई और है, तो आपको भाड़े के मकान पे ही टिक करना है। जैसे आप खुद भाड़े के मकान पे रह रहे हो तो भाड़े के मकान पे, अगर आप खुद के मकान पे टिक खुद का मकान है तो उस पर टिक करोगे तो आपको पूरी नीचे डिटेल्स भरनी होगी, जैसे मिल्कत वेरा आ रहा है या तो फिर आपका मकान पक्का है या कच्चा है, बहुत सारी डिटेल्स आपको भरनी पड़ेगी अगर आपका खुद का मकान है तो नीचे आप ध्यान रखिएगा मैंने भाड़े का किया इसलिए मैंने कोई डिटेल्स नहीं डाली है, मेरे पास खुद का मकान है नहीं। उसके बाद आते हैं हम चार नंबर के पेज पर, आपको पहला ही क्वेश्चन ये आएगा कि आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा है या नहीं, अगर आपने भरा है तो आपको इसके नीचे पूरी डिटेल देनी पड़ेगी, अगर आपने नहीं भरा है आप देख सकते हो चार नंबर के फॉर्म पर, अगर पहला ही इसमें आप हाँ पे ओके करोगे तो आपको ऑनलाइन की जो भी नंबर है और जो भी डिटेल्स है वो आपको भरनी पड़ेगी, अगर आप ना पे क्लिक कर दो तो आपको कोई भरने की जरूरत नहीं है। अभी आते हैं सत्रहवें क्वेश्चन पर। सत्रहवा क्वेश्चन ऐसा है कि आपको एक ड्रॉप दिख रहा होगा, देख सकते हो आप ड्रॉप दिख रहा है, उस पर आपको सब जितने आपके फैमिली मेंबर्स है उनका नाम लिखना है, जैसे मैंने लिखा हुआ है आप देख सकते हो, मेरी मदर का नाम ऊपर आएगा, उसके बाद सॉरी मेरे फादर का नाम, उसके बाद मेरी मदर का, हम दोनों भाइयों का, आप देख सकते हो बीच में एक नौकरी का प्रकार आता है, एक दूसरा लाइन है उसमें नौकरी पर, जैसे मैंने वर्कर किया हुआ है देख सकते हो मैंने पूरा वर्कर कर दिया हुआ है। उसके बाद जो आप कितने पढ़े लिखे हो उसमें आपको पूरा डिटेल डालना है, कौन कितना पढ़ा हुआ है, जैसे मैं 10 पास हूँ, मेरा भाई 8 पास है, मेरी मदर 1 और मेरे फादर 2 क्लास ही पढ़े हुए, इसके लिए उनका पूरा इतना मैं भर दिया। और आप छेले लाइन पर जाओगे तो वहाँ पे लिखा है वार्षिक आवक, वार्षिक आवक को 120,000 डालनी है, 120,000 ही डालनी है आपको, अगर ज़्यादा डालोगे तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है। अब नीचे आते हैं, नीचे में आपको लिखा हुआ है कि आप क्या करते हैं, मजदूरी करते हैं, रोजगारी करते हैं, आपका खुद का व्यवसाय है या तो फिर कुछ नौकरी करते हो या तो फिर आप मजदूरी करते हो, तो देख सकते हो गाइस मैंने लेबर का काम किया, जैसे कि हम लोग मजदूरी करते हैं। तो उसके बाद आपको 18वां क्वेश्चन आता है कि आप पूरे परिवार मिलके कितना कमा लेते हो, 3,00,000 से ज़्यादा कमा लेते हो, तो मैंने वहाँ पर टिक किया क्योंकि हम मेरे परिवार में सिर्फ मेरे फादर कमाते हैं और कोई कमाता नहीं, इसके लिए 3,00,000 की आवक नहीं होती। बीसवें प्रश्न क्वेश्चन पर आते हैं। बीसवें क्वेश्चन पर ऐसा लिखा हुआ है कि आपके पास बैंक कौन सी है, आप कौन सी बैंक में आपका अकाउंट है, उसके नीचे आपको पूरा डिटेल्स भरना है, मैंने भरा नहीं है क्योंकि मेरे पास मेरे फादर का डिटेल्स है इसके लिए मैंने भरा नहीं है। आपके पास बीसवें क्वेश्चन पर आपको पूरी डिटेल्स भरनी है, जैसा आपका अकाउंट नंबर हो गया, बैंक का नाम हो गया, कौन सी ब्रांच में अकाउंट है, IFSC कोड जो भी देना है आप उसमें भर सकते हो, पासबुक की नकल भी आपको देनी पड़ेगी, जो एक कैंसल चेक भी आपको देना पड़ेगा, वो सब आपको टिक मार के देना ही पड़ेगा, जो भी है अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ब्रांच कहाँ पर है वो सब भर दिया है। सो गाइस मैंने भी भर दिया, आप पूरी तरह से आप जो भी आपका अकाउंट है जहाँ पर भी है उसका डिटेल्स आपको भर देना है। पांचवा पेज जो साइड में आपको दिख रहा होगा आ गया होगा। उसके बाद पहला जो 21वां क्वेश्चन है उसमें आपको जो डिमांड ड्रॉप भरना है और डिमांड ड्रॉप में आपको कौन सी बैंक से डिमांड ड्रॉप करवाना है वो आपको पूरी नीचे डिटेल भरनी पड़ेगी। जैसे मेरा अकाउंट बड़ौदा बैंक में है तो मैंने बड़ौदा बैंक की पूरी डिटेल यहाँ पर डाली हुई है। उसके बाद मेरे पास अभी डिमांड ड्राफ्ट का कोई कागज़ नहीं है, इसके लिए मैंने डिमांड ड्राफ्ट का नंबर आता है वो नंबर भी नहीं लिखा हुआ है। आपको पूरा डिमांड ड्राफ्ट का नंबर पूरा एक साथ में भरना है, पूरे भरने के बाद ही आपको ओके करना है इसको। सो गाइस आपके पास कुछ भी प्रॉब्लम है पहले आप पेंसिल से लिखिए, पेंसिल से लिखने पर ही आपको कुछ भी
गलत हो गया तो आपको सही करते हो वादा नहीं आएगा। सो गाइस 12वें प्रश्न पे आते हैं। 12वें प्रश्न पे भी आपको एक बॉक्स दिख जाएगा, बॉक्स में आपको लिखना है कि आपके घर में पूरे नाम कितने हैं, जैसे कि आपके आधार कार्ड पे जितने नाम है उतने नाम आपको लिख गए हैं। नाम लिखने के बाद आप मेल फीमेल आप सामने देख सकते हो, उसके बाद एज भी आप लोग लिख देने, साइड में आप देख सकते हो पूरा लाइन बना हुआ है, इसके हिसाब से आपको पूरा डिटेल्स भर देना है। आधार कार्ड जो भी है आपके पास, आधार कार्ड का नंबर सबका होना जरूरी है, सबका भरना पड़ेगा नंबर। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आपको एक दिख जाएगा बड़ा सा बॉक्स, उसमें आपको मैं अगर आपको आधा फोटो पे चाहिए आधा नीचे चाहिए, आप देख सकते हो इस पे आधा फोटो पे और आधा नीचे, तो भाई इस पे खास करके ध्यान रखें, आधा फोटो पे साइन होना चाहिए आधा नीचे होना चाहिए, ठीक है, इस बात पे आप खास ध्यान रखें। आगे बढ़ने के बाद आपको 6 नंबर फॉर्म दिख जाएगा। 6 नंबर फॉर्म पर आपको 24वां क्वेश्चन आ जाएगा। 24वां क्वेश्चन पे आपको नॉमिनी का नाम, जैसे कि आप किसके नाम पे नॉमिनी करवाए जाते तो उसमें लिखा जाएगा मेरे फादर का ही नाम है, जैसे मैंने एक मेरे मदर के साथ में मेरे फादर का आधार कार्ड जोड़ता उसमें उन्हीं का नाम नॉमिनी में भी जोड़ दूंगा, पाटिल तुलसीराम, आप आपके लड़के लोग का भी रख सकते हैं चाहे किसका भी रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आते हैं 25वें क्वेश्चन पर। 25वें क्वेश्चन पर आपको ऐसा पूछा जा रहा है कि आप सूरत में कितने सालों से रह रहे, तो मैंने 5 साल से आगे का रख दिया क्योंकि इसके 5 साल के 10 साल ऐसा कुछ है नहीं, इसके लिए 5 साल से ज़्यादा ही हम यहाँ पर रह रहे, आप जैसे भी आपको टिक करना है वैसे आप टिक कर सकते हो। इसके बाद आता 26वां प्रश्न। 26वां प्रश्न में आपको ऐसी डिटेल दी गई कि आप 5 साल से ऊपर से जिस शहर में रह रहे हो उस शहर के धारा सभ्य या फिर सांसद सभ्य इनके पास से एक प्रमाण पत्र लेना है, उनके यहाँ का साइन और सिक्का आपको आप देख सकते हो, साइन सिक्का आपको पूरा इनके यहाँ से लगवा के आना है, पूरा ओके करना है, उनके यहाँ से साइन सिक्का सब करवा के आना है। उसके बाद आते हैं 27वें क्वेश्चन पर। 27वें क्वेश्चन पर आपको नहीं भरनी क्योंकि ये डिटेल्स ऐसी है कि आपके पास खुद का मकान जो आपकी डिटेल्स भरनी है, तो वैसे तो किसी का खुद का मकान जो भरेगा उसका खुद का मकान तो है ही नहीं। तो आगे बढ़ते हैं 7वां पेज आप देख सकते हो, 7वां पेज आपके सामने आ चुका है। 7वें पेज पे आपको पहले ही प्रश्न में आपको ये पूछा जा रहा है कि आपके पास खुद का मकान है क्या, तो आपको 2 प्रश्न पूछा जा रहा है। आपके पास जमीन का प्लॉट हो तो टिक कीजिए, अगर आपके पास जमीन का प्लॉट नहीं हो तो टिक कीजिए, तो मेरे पास जमीन का प्लॉट नहीं है इसके ऊपर टिक किया, आप देख सकते हो मैंने टिक कर दिया है। उसके बाद अगर आपके पास जमीन का प्लॉट टिक करोगे तो आपको नीचे पूरी डिटेल्स भरनी पड़ेगी। तो गाइस आगे बढ़ते हैं 29वें प्रश्न पर। 29वें प्रश्न पर आपको मैंने पहले बताया था कि 15 नंबर के पेज पे अगर आपको कौन से साइड पे आपको फ्लैट लेना है उस साइड का कोड आपको यहाँ पर भरना है, वो कोड आपको देख के अच्छे से भरना है, मैंने नहीं भरा है, मैं अभी इस कंफ्यूजन हूँ कि कौन से साइड में मेरे को लेना है। तो गाइस मैं आपके लिए बता दूँ कि ये कोड आपको अच्छी तरह से भरना है, इसमें डिटेल्स अच्छी तरह से भरनी है, वो आप ध्यान दें भरने के टाइम पर। सो गाइस मैं आपको बता दूँ ये ड्रॉ कंप्यूटराइज ड्रॉ है, आपको किसी कोई बोले कि मैं भर दूंगा मैं कर दूंगा मेरे हिसाब से हो जाएगा मैं आपको 1 नंबर पर लगा दूँ, ये कुछ नहीं होने वाला है। इसके लिए मैं आपको बता दूँ कोई दलाल कोई डीलर या किसी के पास जाना आपको नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ये कंप्यूटराइज ड्रॉ है, आपका अगर फॉर्म क्लियरली भरा हुआ है कोई भी इशू नहीं है पूरे डॉक्यूमेंट्स ओके है तो आपका ड्रॉ लग ही जाएगा। अगर आपका ड्रॉ नहीं लगा तो उसके लिए भी आगे कुछ प्रोसेस है, वो आपको मैं आगे बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस नीचे आते हैं, नीचे में एक पूरा पेज देख रहे हो आप, नीचे में देख सकते हो नीचे साक्षी पे साइन, एक साक्षी आपको लेना पड़ेगा, उसका नाम उसका एड्रेस और उसका मोबाइल नंबर आपको नीचे लिख देना है। उसके बाजू में आप देख सकते हो उस साइड में जो अर्जदार है उनका साइन लेना पड़ेगा, अर्जदार के साथ में जो पुरुष उसके साथ में आपने भरा है नाम उनका पुरुष का नाम भी साइन आपको लेना पड़ेगा, उस बात से आप ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं 8वें फॉर्म पर। 8वें में कुछ भी नहीं है, अभी आगे बढ़ते हैं 9वें पर। 9वें में भी आपको कुछ नहीं भरना है। आगे बढ़ते हैं 10वें पेज पर। 10वें पेज पर आपको कुछ नहीं भरना है। 11वें पर भरनी है। 12वें पर आपको भरने का आता है। 12वें पर आपको ये भरने का आता है, जैसे आपने 9वें पर भरा ना साक्षी का साइन, वही साक्षी का साइन लेना है आपको, उसके बाद उसका एड्रेस मोबाइल नंबर वही ले लेना है, उसके बाद जो जिसने फॉर्म भरा है उसने विजू बेन सेम डिटेल्स आपने पहले भरी वो डिटेल्स यहाँ पर भी भरनी है। उसके बाद बस ये पेज 12वें पेज पर इतना ही है। 13वें पेज पर आपको कुछ नहीं भरना है। 14वें पेज पर मैं आपको बता दूँ साक्षी की डिटेल वही आपको भरनी है कमलेश, और उसके मैंने जैसे भरा है वैसे आप देख सकते हो, मैंने साइड पे अर्जदार का भी नाम लिखा है उसके साथ में जो अर्जदार के साथ में हो पुरुष है उनका भी नाम मैंने लिखा हुआ है, आप देख सकते हो मेरे फादर का मेरी मदर का नाम लिखा है साक्षी में मैंने कम से कम।
सो गाइज ये हो गया पूरा फॉर्म, ये हो गया पूरी फॉर्म की डिटेल्स। आगे मैं आपको बता 15वें पेज पे आपको दिखाया जा रहा है कि ये देख सकते हैं आपको 15वें पेज पर पूरी डिटेल्स दी गई है। पहली लाइन भी आपको कोड दिया जा रहा है कौन सी साइट में, कौन सी साइट का ये कोड है। आगे आप देख सकते हो एड्रेस दिया हुआ है, एड्रेस पे पहले एक कोड दिया जा रहा है, वो कोड आपको ध्यान रखना है। वो कोड पे ही आपको जो आपका फ्लैट है वो इशू दिया जाएगा। तो आपको इस बात पर खास ध्यान रखना है कि आपको कौन से एरिया में आपको फ्लैट लेना है। तो गाइस फॉर्म तो आपने देख लिया, इसके बाद आते हैं कि ये छोटी सी पर्ची आपको दिख रही होगी, छोटी सी पर्ची है फॉर्म के पहले ही पेज पे रह जाती है। तो ये पर्ची मैं आपको बता दूं, ये पर्ची जिस बैंक से आप डिमांड ड्राफ्ट बनवा के लाओगे उस डिमांड ड्राफ्ट पर आपको जो भी डिटेल्स मिलती है वो ये पेज पे भरनी होती है। आप देख सकते हो इस पे लिखा हुआ है क्या क्या भरना है, 20,000 रुपया भरना है। वो हिसाब से आप पूरी डिटेल्स भर के आप ये पर्ची उसके साथ में लगवानी पड़ेगी आपको। सो गाइस फॉर्म की डिटेल्स मैंने आपको पूरी बता दी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स उनको प्रॉब्लम आ रही है कि सर हमें फॉर्म भरने के टाइम पे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। तो गाइस उनको मैं बता दूँ, डॉक्यूमेंट्स में आपको लगेंगे, पहले तो आपको लगेगा आधार कार्ड, महिला का आधार कार्ड, उसके साथ में पुरुष का आधार कार्ड, आपके फैमिली में जितने बच्चे होंगे उतना आधार कार्ड, सबका आधार कार्ड लगेगा, और जो नॉमिनी है और जो महिला है उनका पुरुष दोनों का वोटिंग कार्ड जरूरी है। उसके बाद में आपको बता दूँ, अगर आवक दाखला आपके पास नहीं हो, एक तो आवक दाखला लगेगा, आवक दाखला अगर आपके पास नहीं हो तो आप उसके बदले रिटर्न फाइल करवा सकते हो। जैसे आप देख सकते हो मैंने रिटर्न फाइल लगवाई है, मेरा रिटर्न फाइल है, बट आप भी एक रिटर्न फाइल ऐसा करवा सकते हो अगर आपके पास आवक दाखला नहीं हो तो। सो गाइस आगे बढ़ते, आगे मैं आपको बता दूँ एक महत्वपूर्ण जानकारी, आपको भाड़ा करार करना पड़ेगा। भाड़ा करार आपको आप जहाँ पे रह रहे हो वहाँ का चलेगा, या तो भी आपको पुराना कहीं का पड़ा होगा बना के तो भी आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में लगवा सकते हो। तो गाइस ये सब जानकारी मैंने आपको जरूरी थी बता दी। सो गाइस मैं आपको बता दूँ कि बहुत सारे मेरे सब्सक्राइब उनका ये भी फोन मुझे मैसेज कमेंट आया था कि हमें पैसे कैसे भरने हैं इनमें, जैसे कि अभी जो 20,000 का डिमांड ड्राफ्ट करोगे उसके बाद 6.5-6 लाख रुपये हमें कैसे भरना है। 5,50,000 इसकी कीमत है, उसके बाद 50,000 रुपया जो है आपको मेंटेनेंस तरीके देना पड़ेगा, टोटल हो जाते हैं 6 लाख रुपये। तो आपको ये 6 लाख कैसे भरने हैं। सो गाइस 6 लाख रुपये का आपको लोन हो जाएगा, और कौन से हिसाब से लोन होगा। सो गाइस मैं आपको इसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, ये बहुत लंबी वीडियो हो गई, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। इसके लिए मैं आपको पहले से बता रहा हूँ कि आप मेरा यूट्यूब चैनल अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूले, क्योंकि मैं जब भी वीडियो बनाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा, लोन का वीडियो बनाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि लोन कैसे भरना है, लोन इस पे हो जाएगी, उसका मैं पूरा डिटेल वीडियोस बनाऊंगा आपके लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में आप देख लेना मेरा, उसमें लोन का पूरा डॉक्यूमेंट्स जो भी चीज़ आपको लगेगी वो मैं आपको पूरा बता दूंगा। सो गाइस नेक्स्ट वीडियो जरूर देख लेना। सो गाइस जय हिंद जय भारत, आज की वीडियो में बस इतना ही। सो गाइस आपने अगर मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे का लाल बटन दबा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। सो गाइस आपके फ्रेंड्स लोगों को यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप ये वीडियो सर्च शेयर कर देना, क्योंकि किसी को जरूर जानकारी मिल जाएगी। तो जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।